अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा इनाम, देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो जैसे कि हमने 7.1 एक्सरसाइज कर ली, होप कि सबको समझ आ गई होगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.2। अब ये हमारे पास जो है वो सही सोल्यूशन वाली एक्सरसाइज आ गई है एंड यहाँ पर हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेना है। अगर यहाँ पर हम लोग ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिया, समझ के आपने ये जो पूरा चैप्टर है क्लियरली सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो इस चैप्टर को गौर से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम डेफिनेशंस। डेफिनेशन जैसे कि हम लोग को, आपको पता है, हम लोग डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस पे यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम लोग ODEs के सॉल्यूशंस निकालते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग ODE का कोई सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारे पास किस तरह होता है, वहाँ पर कोई भी हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होगा उस सॉल्यूशन में, और उसी सॉल्यूशन को हम लोग इसका सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशन में कोई डेरिवेटिव छोड़ दें, इसको बोल दें बस ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है, ये ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में कोई भी आपने डेरिवेटिव नहीं छोड़ना, ठीक है, तो उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे जो फ्री ऑफ डेरिवेटिव्स हो। यही हमारे पास बस आज की डेफिनेशन है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो यहाँ पर सारा लिखा हुआ, ये वही लिखा है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी सबसे पहली एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 361, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ पैराबोला हमें गिवन है और कहते हैं कि इसकी क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। तो चलिए देखते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किस तरह से बनाएंगे। न्यू सफ़र है तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ बातें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो बातें जो है आपको समझ आने लग जाएंगी एंड आप उस बातों पर क्लियर होते रहेंगे। तो शुरू में ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा फन वाला जो है चैप्टर है, इसमें बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो जल्दी से कर लीजिए, जो कि है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है। तो ज्यादा बोल दिया इसलिए थोड़ा सा गला भी खराब हो गया। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो फैमिली ऑफ पैराबोला हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस गिवन को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि डिफरेंशिएट DIFF, डिफरेंशिएट को मैं शॉर्ट लिखूंगी, DIFF लिखूंगी, ठीक है ना। डिफरेंशिएट इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगी सॉल्यूशन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वी गेट, तो यहाँ पर करते हैं इसको क्या करते हैं, DDx करते हैं, इधर लिख देंगे वाई स्क्वेयर एंड साथ में इसको लिख देंगे DDx। अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं कर रही तो वी गेट नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रही, मैं समझाऊंगी आपको एंड देन हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4ax, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वाई की पावर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, सही है 2 हो गया, साथ में y भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ y बाई डी ऑफ x, ठीक है। देन यहाँ पर हो जाएगा इक्वल, अब हम लोग x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ऑफ a। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग 1 लिखते नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी मैं कोई नाम दे देती हूँ, ठीक है ना। हमें a की जो वैल्यू है, ठीक है ना, अब हमें वो निकालनी है, तो a की वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे, किस तरह से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि a की वैल्यू मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू की बात कीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा बाय 4 ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन से किस तरह इस दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दिया और हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब हम लोग ए की जगह इस जो वैल्यू है हम लोग ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देंगे। तो ठीक है ना, हमारे पास इक्वेशन जो 1 जिनको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ वाई, सही है, एंड साथ में क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। अब एक की जगह मैं क्या वैल्यू लिखूंगी, वाई स्क्वेयर
बाय 4 ऑफ x, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 और 4 को कैंसिल कर देंगे, तो दिस विल बी 4 और 4 विल बी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स रह जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको और इसको कैंसिल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल करना छोड़ देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल इसको और इसको, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई, और ये एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा वाई, सही है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ऑफ एक्स। अब अगर देखा जाए तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वाई एंड दिस विल बी 4 टू ज़र, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है, एंड यही हमारा आंसर है। उन्होंने हमें क्या कहा था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर लिया है, एंड हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। तो एग्जांपल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।